हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। परमेश्वर का स्वागत करते हैं आज की सुबह कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर और एक नए दिन में अवसर दिया कि हम उसके पवित्र नाम की महिमा कर सकें। आमीन, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज ऑनलाइन ग्रेस सेवियर पेयर हाउस में जो परमेश्वर ने हमको अवसर प्रदान किया कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से इस लॉकडाउन के द्वारा जब हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में इस ऑनलाइन के द्वारा सबको आत्मिक रीति से बढ़ा रहा है और हर एक के जीवन में परमेश्वर आशय कर्म कर रहा। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग रोज परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और कुछ ना कुछ एक नया सीखते हैं अपने जीवन में और सीखकर और उसे अपने जीवन में काम लाते हैं। ये भी मैं आशा करता हूं कि जो कुछ आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं उस वचन को अनुसार अपने जीवन में बिताना, अपने जीवन को बिताइए उस वचन के अनुसार। सच में जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं प्रभु आपके जीवन में आशीर्वाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को आज सीखेंगे। मरकुस की किताब और उसका 14 अध्याय और उसके 50वीं आयत में, मरकुस 14 का 50 लिखा है, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। इस पर सब चेले छोड़कर उसे भाग गए। जरा बाइबल लिखने वालों की ईमानदारी के बारे में सोचिए। जिन्होंने जो भी लिखा सब सच सच लिखा और वे ऐसा करने से डरे नहीं। उस समय के लेखक अपने देश और अपने राजाओं के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, मगर परमेश्वर के यहोवा के भविष्यवक्ताओं ने इज़राइल के राजाओं और लोगों के बारे में ना सिर्फ अच्छी बातें लिखीं बल्कि उनके बुरे कामों के बारे में भी लिखा। अच्छी बातें भी लिखीं और उनके बुरे कामों के बारे में भी लिखा। आज वो परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हमें घमंड है, जिस पर हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला
और हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, सच में परमेश्वर सुनने वाला है और परमेश्वर हम सबको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम कुछ भी उससे छुपा नहीं सकते और ना ही छुपा है। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं दूसरा इतिहास, आपके पास बाइबल है तो ज़रूर आप निकाल कर मेरे साथ इन वचनों को पढ़िएगा। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 16:9 लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर और निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। और 10 पद में, तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। और उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार करने लगा। बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं है जो चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। परमेश्वर के जो सेवक थे, जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को रखा था, उन्हें परमेश्वर ने इन वचनों को लिखने के लिए उसे बढ़ाता रहा परमेश्वर। और वो सच में जो परमेश्वर ने उनको वो बातें दी लिखने के लिए और उन बातों को उन्होंने लिखा। अब हम 24 अध्याय दूसरा इतिहास और उसका 24 अध्याय और उसके 18 से 22 पद को भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर किस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है। देखिए, तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर आशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का, तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए, और उन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान ना लगाए। तब परमेश्वर का आत्मा यहूदा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया, और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यह कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। आमीन, हालेलुया। ऐसा करके उन्होंने त्याग दिया तो तुमको भी वो त्याग देगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी और परमेश्वर के दूसरे सेवकों की गलतियों को भी लिखा। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? अपनी गलतियाँ और दूसरे सेवकों की गलतियों को भी बताया जा रहा है कि तुमने जो कुछ किया है वो परमेश्वर सब जानने वाला है और सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम यहाँ पर देखते हैं उसके वचन में, तो सच में वचन में हमको सच्चाई नज़र आती है। और इसमें दोनों बातें, जो घटनाएं जो हुई हैं, उन बातों को स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक जगह और गौर कराना चाहूँगा, जैसे कि आप दूसरा शामिल उसका 12 अध्याय यदि आप एक पद से लेकर 14 पद तक आप इस पर मनन करेंगे तो वहाँ पर इतना बहुत लंबा हो जाएगा, पर आप इस पर जरूर 12 अध्याय और उसके 14 पद पर एक पद से लेकर उसके 14 पद तक गौर करेंगे, तो वहाँ पर जब लोग बाइबल के सिद्धांतों पर चलते हैं, है ना, लोग बाइबल के सिद्धांतों पर चलते हैं तो उन्हें फायदा होता है और इससे उनका विश्वास बढ़ता है। क्या होता है? इससे उनका विश्वास बढ़ता है। बाइबल पर चलना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल को मानना, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सच में देखिए लिखा हुआ है 4 पद में, और धनी के पास एक यात्री आया और
उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को देखने पाएंगे इसमें। तो बाइबल में सिद्धांतों के बारे में जो लिखा है, सच में बेहतर सिद्धांत, बेहतर चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया शास्त्र है। किसी ने इसे लिपापोती करके नहीं लिखा है कि इसमें कुछ मनगढ़ंत कहानियों को लिख दिया गया हो। ये कोई मिथ्या नहीं है, ये इस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई सारी बातें हैं, और जो सारी बातें हमारे लिए हैं। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देती है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म हैं, वे सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और छत्ते से टपकने वाले मधु से भी बढ़कर मधु हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता, जिनके पालन करने से बड़ा उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन। जब उनके पालन करने से, किसके पालन करने से, परमेश्वर के वचन को पालन करने से क्या मिलता है मेरे प्रियो, बड़ा प्रतिफल मिलता है, बड़ा प्रतिफल। यदि आप बड़ा प्रतिफल चाहते हैं कि मेरे जीवन में बड़ा प्रतिफल हो, तो सच में मैं आपको बड़ा प्रतिफल पाने का जो सिस्टम बता रहा हूं, और वो सिस्टम है पवित्र शास्त्र बाइबल। आप चाहते हैं कि मुझे बड़ा प्रतिफल मिले, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ कीजिए, परमेश्वर के वचन को मानना आरंभ कीजिए, जो उसमें लिखा है, जो सिखाया जाता है, उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। बाइबल के बारे में सीख कर बहुत से लोग जान पाए कि जिन बातों पर वे परमेश्वर जो विश्वास करते थे, वे सच में सच सच पूरी सच एक नहीं पूरी। हालेलुया। और जितने विश्वास करते हैं उनके लिए ये बाइबल परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए, किसके लिए, विश्वास करने वालों के लिए। आप विश्वास करते हैं उसके वचन को मानेंगे, आप विश्वास करते हैं उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, आप विश्वास करते हैं उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने और चांदी की ही तो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सच में वो परमेश्वर हम पर अपनी करुणा और अपनी दया को प्रकट करके हमें आशीष देता है। बाइबल से लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना सीखते हैं। किस पर? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना, विश्वास करना सीखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं, तो मेरे प्रियो आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, तो आप पर बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करना आरंभ कीजिए। और जब आप परमेश्वर पर विश्वास करना आरंभ कर देते हैं, भरोसा करना आरंभ कर देते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष देता है, और उन्हें एक अच्छे भविष्य की आशा भी मिलती है। आपके पास एक आशा है। आज संसार में लोग हो सकता है निराशाओं में हों, समस्याओं में हों, पर जो विश्वास करते हैं उनके पास एक आशा है। लेकिन जो लोग नहीं मानते, जो लोग नहीं मानते, जो लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर है, वे कुदरत की उपासना करते हैं। किसकी? कुछ लोग कुदरत की उपासना करते हैं, पेड़ की, पीपल की, बड़ की, कुदरत की, अलग अलग चीज़ों की, पत्थर की, चट्टान की, पहाड़ की, कुदरत की चीज़ों की उपासना करते हैं, सूर्य की, चंद्रमा की, तारागण की। ये अलग चीज़ें हैं, ये विश्वास अलग है। ये विश्वास में उद्धार नहीं, मोक्ष नहीं, शांति नहीं, जीवन नहीं है।
दूसरे लोग ऐसे हैं जो अच्छे भविष्य के लिए इंसानों पर भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग इंसानों पर, गुरुओं पर, महाराजों पर, अलग अलग चीज़ों पर भरोसा करते हैं, इंसानों पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, इंसानों पर नहीं, जिसने, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है उस पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंसानों ने अब तक क्या किया, इससे साफ जाहिर होता है कि वे दुनिया की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते, वे दुनिया की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। केवल एक ही है जो दुनिया की समस्याओं को सुलझा सकता है, वो है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था और जो है और जो रहेगा। आप यदि झूठी, मिथ्या और कहानियों में फंसे हुए हैं, तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम बदल जाएं। इसलिए उसका वचन 146, भजन 146 उसका 3 और 4 पद के लिखा हुआ है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। यदि मनुष्य जो नाश होने वाला है इंसान पर भरोसा करता है, तो एक दिन उसकी सारी कल्पनाएं मिट जाएंगी, आपकी कल्पनाएं भी मिट जाएंगी, पर परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर की सारी चीज़ें कभी भी नहीं मिटेंगी। आप विश्वास कीजिए और उस पर भरोसा रखिए, वही परमेश्वर था और है जो आपको हमेशा जय के उत्सव में ले चलता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए जो कुछ बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, उसे ईमानदारी और वफादारी के साथ मानिए। आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए भला होगा। आप चाहते हैं कि मेरा भला हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाइबल के एक एक वचन को मानना शुरू कीजिए। जो बातें भली हैं, जो बातें सही हैं, जो बातें सुहावनी हैं, उन बातों को मानने के लिए आप पूरा पूरा प्रयास कीजिए। हालेलुया। अपनी चॉइस के नहीं, जो परमेश्वर को भाता है वो करना, जो सिखाया जाता है वो करना, हर एक विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, हमें आपने जो कुछ सिखाया है, हम प्रभु उन वचनों पर चलने वाले हो जाएं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं पिता, पवित्र आत्मा, आपका दया, आपका करुणा, आपका अनुग्रह उन तमाम लोगों पर और हम पर सदा बना रहने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आप हमारे संग और अंग होकर हमारी सहायता करते हैं। प्रभु, आपने हमें आज का दिन दिखाया कि हम आप आज के दिन आपके पवित्र नाम की महिमा कर सकें और आपके नाम की स्तुति कर सकें। सेनाओं की यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जितने भी लोग आज हमारे साथ लाइव में हैं प्रभु, उन सबको प्रभु, सुनने वालों को आप आशीष दीजिए, इन वचनों के द्वारा आशीष कीजिए। मेरे परमेश्वर, सब प्रकार के खतरों से, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, बीमारी से, महामारी से बचाइए और हर एक को अपने पंख उतरे छुपा लीजिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारी महिमा, आदर, जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी कल्पनाओं को परमेश्वर सिद्ध करें। सबको जय मसीह की।